लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। उसके बाद फिर राजा जनक का जन्म हुआ, उसी आत्मा का, अम्बरीश वाली आत्मा का, भारतवर्ष में। पहले ज्वाइंट भारत था जो, पश्चिमी पाकिस्तान के तलवंडी गांव में, श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे, और उनका नाम रखा गया नानक चंद। अब पहले जब यही पुण्यात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश राजा जनक रूप में, तो इनके लाखों नौकर होते थे, सैनिक होते थे। पुनः क्षीण होने के बाद वही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर नगर में, सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहां स्वयं नौकर लगे। और यदि परमात्मा उनको नहीं मिलते तो इस कलयुग में तो पाप ही पाप हैं, कोई पुण्य बनता ही नहीं। तो वही आत्मा फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। वो परमात्मा कितने दयालु हैं। अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फिर आते हैं वापस कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब अबोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया, वो मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा के न्या, और मिटी न मन की आशा। जैसे पहले जन्म में कोई राजा बनता है तो भी वही इच्छाएं होती हैं, दूसरे जन्म में राजा नहीं बना है तो राजा बनने की चेष्टा प्रयत्न रहता है। फिर क्या बताते हैं कि कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्मा कुत्ते गधे सुअर की योनियां हम भोगे हैं, और हम स्वर्ग में देवता भी बने हैं, हम राजा भी बने हैं। ये ना सोचो कि हम आज यही जो आज हमारी स्थिति है, हम सदा ऐसे नहीं, और 84 लाख योनियों में भी हम गए हैं, कुत्ते गधे के शरीरों में भी हम रहे हैं। यह सत्विधान है यहाँ का, ये सत्कर मान लेना कोई, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर, परमात्मा के विधान से हम परिचित नहीं। और जिन ऋषि महर्षियों को हम परमात्मा प्राप्त मानते थे, उनके पास खख नहीं था, वो कुछ नहीं जानते थे भगवान के विषय में, जिस कारण से आज हम परमात्मा के उस नियम से बहुत अपरिचित हो गए। हमें अब मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं हैं, इनको पाकर हम ये सोच बैठे हैं कि हम ऐसे ही मौज रहेगी, इसको मौज मान रहे हम, जो थोड़ा सा राहत हमें अन्य प्राणियों से ठीक सी महसूस हो रही है। लेकिन हम अन्य योनियों में भी बहुत कष्ट उठा चुके हैं। तो क्या बताते हैं, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। आप यहां देखते हो बहुत से उदाहरण ऐसे, जैसे एक पोलैंड देश का एक कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल एक ही जहाज में कहीं जा रहे थे सारे, किसी का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज क्रश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 97 सदस्य थे, सारे मंत्री, फिर एमपी और प्रधानमंत्री उनका, वो सारे के सारे उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। गए थे दूसरे का शोक व्यक्त कर, आप ही बीच में रह गए। अब उसको क्या हाथ लगा, प्रधानमंत्री बना हुआ था। और भी यहां बहुत से प्रमाण हैं, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तीसरे दिन तो उसका शव मिला था।
कोई फर्स्ट एड करनिया नहीं पाया उसको। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश मिली थी उसकी, ऐसे ही हेलीकॉप्टर से उसके गिर जाने से जंगल में पहाड़ों पर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। और उन व्यक्तियों की कितनी आशाएं थी, पता नहीं कहां कहां के प्रोग्राम मीटिंग रखी हुई थी, अब कहां गई वो। ऐसे ही बहुत सी बातें हमें याद हैं। और प्रतिदिन ये तो बड़े बड़े व्यक्तियों की, जो जिनको हम बड़े मानते हैं, उनकी घटनाएं सुना रहे हैं आपको, और जनसाधारण को आप देखते ही हो। तो कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लग्या रे, मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, अब मृत्यु का प्राप्त हुआ, भक्ति करी नहीं, कुत्ता बनकर घूम रहा है, सैर सपट्टे करता हुआ, या कहीं प्रेत बनकर भटक रहा है, उसको क्या मिला उस प्रधानमंत्री के पद से। तो पुण्यात्मों, जो इस मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए वो भूल गए हम, और साधना करते हैं, शास्त्रों विरुद्ध त्याग करते हैं, उसे कोई लाभ होना नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता है, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि को प्राप्त हो सकते, अर्थात यूजलेस। इस प्रकार हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते रहे। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मावरण दुर्मराया, ओए होए, इंद्र कुबेर, कुबेर धन का देवता, यानी वित्त मंत्री एक ब्रह्मांड का, और इंद्र स्वर्ग का राजा, ईस ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आप जी ने बहुत बार प्राप्त की है, बताओ। अब ये बातें हमें किसी ने ज्ञान कराया नहीं, हम इन्हीं घसी पिटी उस अज्ञान लोक वेद के आधार से अध्यात्म ज्ञान सुना करते थे। अब हमें पता चला कि हम कितने युगों से कष्ट उठा रहे हैं,